एक्चुअली आज मैं आप सभी को स्पेस एडवेंचर से रिलेटेड कुछ चुनिंदा वेब सीरीज को सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनमें कमाल का तगड़ा एक्शन और हर मोड पर मिलने वाली मौत की रोमांचक दस्तक को आप खुद महसूस करोगे। और वैसे भी ये सभी शोज हिंदी में अवेलेबल है, तो इनका मजा लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, हेलो सीजन 1, जिसके अंदर 26वीं शताब्दी में स्पार्टन एक ऐसा साइबर इन्हांसमेंट प्रोग्राम है जो इंसानी क्षमताओं को कई गुना तक बढ़ा देता है। और इसी स्पार्टन फौज का कैप्टन है मास्टर चीफ, जिन्हें एक लड़ाई के दौरान एक्सीडेंटली एक ऐसी रहस्यमयी चीज मिलती है जिसे सिर्फ वही एक्टिवेट कर सकते हैं। पर आखिर वही क्यों और वो रहस्यमयी चीज असल में है क्या, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ता है। वैसे इसमें एक्शन की तो कोई कमी नहीं है, ऊपर से थ्रिलिंग एडवेंचर भी जबरदस्त है, जिसे बेशक आप पूरा एंजॉय करोगे। नंबर 4, स्टार वॉर्स ओबी-वान केनोबी। अपने अतीत की यादों से संघर्ष करते जेडाई मास्टर ओबी-वान केनोबी अपना नाम बदलकर एक रेगिस्तानी ग्रह टैटूइन पर युवा ल्यूक स्काईवॉकर को देखते हुए शांति से रहते हैं, जहां उन पर साम्राज्य के भेजे हुए कुछ जेडाई हंटर्स हमला करते हैं, जिनसे बचते हुए ओबी-वान वहां से किसी को ढूंढने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन क्या वो उन्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा और आखिर वो ढूंढ किसे रहे हैं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें दिखाया गया एक्शन, विजुअल्स और एडवेंचरस जर्नी काफी अच्छी है, जिसे आप इंजॉय कर सकते हो। और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि हम भी थोड़ा इंजॉय कर ले। नंबर 3, लॉस्ट इन स्पेस। इसके अंदर आप देखोगे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम से जुड़ा एक परिवार अचानक हुई दुर्घटना की वजह से एक एलियन प्लेनेट पर फंस जाता है, जहां उन्हें अपने आसपास मौजूद चुनौतियों से जूझते हुए उन सभी बाहरी खतरों से भी लड़ना होगा जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में क्या वो उन सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए वहां से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे अपनी मजेदार और थ्रिलिंग स्टोरी लाइन के साथ ही ब्यूटीफुल विजुअल्स, बेहतरीन CGI और खतरनाक स्पेस एक्शन के जरिए ये आपको अनदेखे अंतरिक्ष की मजेदार सैर पर ले जाती है। नंबर 3, Star Wars The Book of Boba Fett। टैटूइन की सख्त गर्म रेत पर बाउंटी हंटर बोबा फेट मर्सनरी फेनैक के साथ अंतरिक्ष के ज्यादातर हिस्सों में अंडरवर्ल्ड के ठिकानों से होते हुए टैटूइन पर क्राइम लॉर्ड जाबा के इलाकों को अपना बनाने वापस लौटता है। पर क्या इतनी आसानी से वो जाबा पर कब्जा कर पाएगा और आखिर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, चुनौतियों से भरी उसकी इसी जर्नी को जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ता है। वैसे इसके अंदर कुछ लाजवाब एक्शन सीन्स को भी इंक्लूड किया गया है, साथ ही CGI, VFX, शो का ओवरऑल डायरेक्शन और जिस तरह खतरों से भरे एडवेंचरस अंदाज में कहानी को एक्सप्लेन किया गया है, वो हमको इससे डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिससे हम इसके पूरे मजे आसानी से ले पाते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड। इसके अंदर आप USS एंटरप्राइज पर अनंत अंतरिक्ष में नई संभावनाओं को खोजती एक मजेदार पर उतनी ही खतरनाक अद्वितीय स्पेस जर्नी पर जाओगे, जहां आपको कैप्टन पाइक और साइंस ऑफिसर स्पोक के साथ खतरों से भरे रास्तों पर चलते हुए अंतरिक्ष में नए ग्रहों और जीवन की नई संभावनाओं को खोजना है। वैसे इसकी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग तो है ही, वहीं अपने कमाल के VFX और एक्साइटिंग एडवेंचर के जरिए यह हमें एक अलग ही दुनिया की सैर पर ले जाती है, जहां से हम इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं।
वैसे स्टार वॉर्स की ये कुछ सीरीजेस है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यदि आप इनके इस कनेक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वैसे भी ये सभी सीरीज काफी अच्छी है, जिन्हें हमने तो पूरा एंजॉय किया है, लेकिन अब बारी आपकी है, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और देख लो। पर जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और हाँ, आपको ये शोज कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।